नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधु स्वागत करता हूं। सदियों से सम्मोहन जादू, काला जादू के बारे में पुराने ग्रंथों में भी जानकारियां उपलब्ध हैं। भारत का एक प्राचीन गांव आज भी काले जादू के लिए प्रसिद्ध है। सबसे खास बात यह है कि इस गांव के हर घर में काला जादू किया जाता है। इस गाँव से एक बात और भी जुड़ी है कि महाभारत काल में महाबली भीम और हिडिम्बा के बेटे घटोत्कच इस गाँव के राजा थे। वह गांव जहां पर घर में होता है काला जादू। काले जादू का नाम आते ही दिमाग में नींबू, मिर्च, सुई, पुतला जैसे कई खौफ सामने आने लग जाते हैं। भारत के असम राज्य का मयोंग गांव ऐसा है जिसे काले जादू का गढ़ कहा जाता है। इस गांव के आसपास वाले भी इस गांव में जाने से डरते हैं। कहा जाता है कि पूरे विश्व में काले जादू की शुरुआत इसी गाँव से हुई थी। गाँव मयोंग गुवाहाटी से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। महाभारत काल से जुड़ा है इस गांव का इतिहास। मयोंग नाम संस्कृत शब्द माया से लिया गया है। महाभारत में भी मयोंग का जिक्र आता है। कहा जाता है कि महाबली भीम का मायावी पुत्र घटोत्कच मयोंग का ही राजा था। वर्ष 1332 में असम पर मोहम्मद शाह बादशाह ने एक बड़ी सेना से चढ़ाई कर दी थी। तब वहां हजारों तांत्रिक मौजूद थे। उन्होंने मयोंग को बचाने के लिए एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिसको पार करते ही सैनिक गायब हो जाते थे। गांव में काला जादू सीखने आते हैं लोग। दुनिया भर से काला जादू सीखने और रिसर्च के लिए हर साल बड़ी संख्या में लोग मयोंग आते हैं, मगर आसपास के गांवों के लोग यहां आने से डरते हैं। यहां आने वाले अधिकतर लोग काले जादू से बीमारियों को दूर करने या काला जादू सीखने के लिए आते हैं। इस विधा का गलत ढंग से इस्तेमाल करने के बारे में ज्ञान नहीं दिया जाता। गाँव में स्थित दो कुंडों पर होती है साधना। गांव में दो कुंड, एक अष्टदल कुंड व दूसरा योनी कुंड है। योनी कुंड पर हिंदू और अष्टदल कुंड पर बौद्ध साधना करते हैं। योनी कुंड पर कई मंत्र लिखे हैं। मान्यता है कि मंत्र शक्ति के कारण ये कुंड हमेशा पानी से भरा रहता है। गांव में 12वीं शताब्दी की कई हस्तलिखित पांडुलिपियां मौजूद हैं। यह सभी काले जादू के कीमती दस्तावेज हैं। इन पांडुलिपियों की भाषा के जानकर बेहद कम है। गांव में बूढ़े मयोंग नाम का एक स्थान है जिसे काले जादू का केंद्र माना जाता है। यहां पर भगवान शिव, माता पार्वती व श्री गणेश की तांत्रिक प्रतिमाएं विद्यमान हैं। कहा जाता है कि सदियों पहले यहां पर नरबलि भी दी जाती थी। काले जादू का प्रयोग केवल भलाई के लिए होता है। मयोंग के लोग काले जादू का उपयोग केवल समाज की भलाई के लिए ही करते हैं। कई विधाओं से लोगों की बीमारियां ठीक करने और चोरों को पकड़ने के लिए भी किया जाता है। गांव के लोगों का कहना है कि इसे काला जादू कहना गलत है। असल में यह तंत्र की एक विधा है जो भगवान शिव ने अपने भक्तों को दी थी। पुराने समय में एक पुतले का निर्माण कर उस पर प्रयोग कर कहीं दूर बैठे रोगी के उपचार व परेशानियों को दूर किया जाता था। उस पुतले पर रोगी का बाल बांध कर विशेष मंत्रों से उस पुतले को जागृत किया जाता था। उसके बाद रोगी के जिस भी अंग में समस्या होती थी, पुतले के उसी अंग पर सुई को गढ़ाकर विशेषज्ञ अपनी सकारात्मक ऊर्जा को वहां पर पहुंचाते थे। ऐसा करने से मरीज की तकलीफ समाप्त होती थी। मौजूदा समय की रेकी और एक्यूप्रेशर इसका मिश्रण है। सो दोस्तों, ये थी एक ऐसे गांव से जुड़ी जानकारी जहां पर आज भी काला जादू किया जाता है। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।